नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे फिल्म मैं अटल हूँ। दोस्तों मैं अटल हूँ फिल्म कल रिलीज हो रही है 19 जनवरी को, और दोस्तों हमारे जो प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और जो पूरे विश्व में उनका सम्मान था, विरोधी दल के नेता भी उनका आदर करते थे और भाषण तो क्या देते थे दोस्तों, उनकी वाणी पर माँ सरस्वती विराजमान रहती थी। जब बोलते थे तो बस बोलते ही थे, और लोग जैसे क्रिकेट की कमेंट्री सुन रहे हो उस तरह से बिल्कुल ध्यान लगा करके उनकी सभा सुना करते थे। यहाँ पर भी हमारे साइड में भी वो कई बार आए और मुझे भी उनका भाषण लाइव सुनने का मौका मिला, तो बहुत बड़ा प्रशंसक मैं भी उनका रहा हूँ। जिस प्रकार से देश के लिए जिए, जिस प्रकार से देश की सेवा की, जिस प्रकार से परमाणु विस्फोट किया पोखरण में, कारगिल वार जीता, तो दोस्तों बहुत सारे उनके खाते में बहुत सारे काम है। और दोस्तों एक वोट से उनकी सरकार गिर गई थी, लेकिन कोई बात नहीं, फिर से वापिस आए थे। और क्या मतलब नेता थे, क्या पर्सनैलिटी थी, क्या लाजवाब इंसान थे, क्या एक अच्छे कवि थे, कितनी अच्छी अच्छी उन्होंने कविताएं लिखी है। तो एक मतलब एक ऐसा व्यक्तित्व है जो मतलब सदियों में एक ही पैदा होता है, ऐसे थे हमारे अटल जी। तो उनके ऊपर एक फिल्म बनाई गई है मैं अटल हूँ, और इसमें पंकज त्रिपाठी ने उनका रोल प्ले किया है और बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने प्ले किया है। मैंने ट्रेलर 1 भी देखा, ट्रेलर 2 भी देखा, छोटे छोटे जो ट्रेलर आ रहे हैं, टीजर आ रहे हैं, प्रोमो आ रहे हैं, प्रोमो वीडियो आ रहे हैं, वो भी मैंने देखे, सभी लाजवाब है दोस्तों। और फिल्म मुझे काफ़ी उम्मीदें जगाती हुई दिख रही है कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अच्छा करेगी। तो दोस्तों इसका जो इसका बजट वगैरह है वो ज़्यादा नहीं है, फिल्म का 15-20 करोड़ के आसपास बजट बताया जा रहा है। फिल्म फाइनल बजट तो मेरे पास नहीं है, लेकिन इसकी एडवांस बुकिंग शुरू हो गई है। एक वाउचर के थ्रू भी आप बुक माई शॉप पे इसकी एडवांस बुकिंग करा सकते हो, और अब वैसे तो कल रात से वैसे भी शुरू हो गई है। तो किस तरह की इसकी रिपोर्ट है वो सब कुछ मैं आपको जानकारी इसमें देने वाला हूँ आज की वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तथा शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिल्म काफ़ी अच्छी होने वाली है, इसका रिव्यू अभी नहीं आया है, लेकिन मैं आपको कल रिव्यू जरूर दूंगा फिल्म का, फिल्म देखते ही। तो दोस्तों अभी तक जो मेरे पास में अटल की रिपोर्ट है वो आपको बता दूं कि इसकी जो 72.60 लाख की एडवांस बुकिंग हो चुकी है, 72,60,000 रुपए की एडवांस बुकिंग कल रात तक हो चुकी थी फिल्म की। और दोस्तों करीब करीब 29,897 टिकट्स हैव बीन सोल्ड आउट, मतलब 29,897 करीब 30,000 से ज़्यादा टिकट्स इसके बेचे जा चुके हैं अब तक। और ये एक बहुत अच्छा फिगर मानता हूँ मैं, क्योंकि फिल्म में कोई बड़ी स्टारकास्ट नहीं है। 2 से 3 करोड़ की कम से कम ओपनिंग फिल्म लेगी, कम से कम बता रहा हूँ मैं, हो सकता है ज़्यादा ये 4 करोड़ की फिल्म जाए, लेकिन 2 से 3 करोड़ का फिलहाल इसका शुरुआती बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन आ रहा है, जो काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। इतना नहीं दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये फिल्म मतलब आज रात तक कम से कम भी 80,000 से 1,30,000 तक की टिकट्स सोल्ड कर सकती है टोटल। और दोस्तों करीब करीब ये मान लीजिए कि आप इसका जो एडवांस बुकिंग है वो 2 करोड़ तक आराम से जा सकती है। अभी तक मुझे उम्मीद है कि 2 करोड़ को क्रॉस इसकी एडवांस बुकिंग कर सकती है, और अगर 2 करोड़ की एडवांस बुकिंग क्रॉस करती है तो फिर डेफिनेटली फिल्म 4-5 करोड़ तक की ओपनिंग ले सकती है। और फिल्म को अगर वर्ड ऑफ माउथ अच्छा मिला तो फिर फिल्म दोस्तों आगे भी अच्छा कर सकती है, क्योंकि अटल जी एक ऐसा नेता है जिनका सम्मान देश की जनता में, देश की जनता उनके बारे में जानना चाहती है, बहुत कुछ जानती है। लेकिन इस फिल्म में बहुत कुछ ऐसा भी दिखाया जाएगा जो शायद आप उनके बारे में नहीं जानते हो। और पंकज त्रिपाठी ने जिस प्रकार से उनका रोल प्ले किया है वो वाकई ही मतलब एक बहुत मेहनत की है उन्होंने। तो इस फिल्म के प्रति लोगों में हाइप है। बुक माई शो पे भी दोस्तों इसका करीब 31.1 के इंटरेस्ट था जब मैंने ये वीडियो बनाया था उस समय तक। तो काफ़ी कुछ ये फिल्म दोस्तों आगे भी ये फिल्म कर सकती है, तो देखते हैं किस प्रकार का रिस्पॉन्स आता है। कल मैं इसका रिव्यू जरूर दूंगा। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम, जय भोलेनाथ।